Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर दिना दी तारीफ होवे। Once again, God gave this opportunity to come before you and proclaim the gospel. एक बार और परमेश्वर हमारे जीवन में ये मौका दिया कि आप लोग के बीच में आए और सुसमाचार की घोषणा करें। एक बार फिर परमेश्वर ने तुहाडे दरम्यान मौका दिता ता जो तुहाडे विच आके परमेश्वर दे नां दी घोषणा की जाए। Tonight, Father, Son, and Holy Ghost came down in our midst with His thousands of the angels. आज शाम के वक्त भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया और हजारों फरिश्तों भी हमारे चारों ओर हम देखते हैं। आज शाम दे वेले भी बाप बेटा पाक रूह साडे विच अपने हजारों दूतां दे नाल साडे दरमियान आए हन। Our Lord is moving in our midst. हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। साडा परमेश्वर साडे दरमियान है। So for today meditation. Proverbs 10 chapter 2nd verse. नीति वचन दसवां अध्याय उसका दूसरा वचन आज के ध्यान के वास्ते आइए हम पढ़ें। आज दे ध्यान दे वास्ते कहौता 10 बाप दा दो वचन पढ़ेंगे। Proverbs 10th chapter 2nd verse. बदी दे खजानियां तो कुछ लाभ नहीं हुंदा पर धर्म मौत तो छुड़ा लैंदा है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। Treasures of wickedness profit nothing. दुष्टों के रखे हुए धन से कोई लाभ नहीं होता है। बदी दे खजाने तो कुछ लाभ नहीं होता है। But righteousness delivereth from death. लेकिन धार्मिकता मनुष्य को मृत्यु से बचाता है। पर धर्म मौत तो छुड़ा लेता है। Whole world today, they are after the treasures and the money only. आज सारी दुनिया धन दौलत के पीछे जा रही है। आज सारी दुनिया जो है धन दौलत के पीछे जा रही है। So many people confess that without the treasure, where is God and what is the meaning of God? आज बहुत सारे लोग खुदा कहाँ है या दौलत इन सारे बातों के बारे में परेशान रहते हैं। आज बहुत सारे लोग की जो है कहते हैं कि परमेश्वर कित्थे है धन दौलत की परेशानी विच लोकी रहिंदे हन। They are after the treasures and they are after the pleasures of the world only. वे इस दुनिया के दौलत के पीछे और दुनिया के महिमा के पीछे ही हैं। इस दुनिया की दौलत के पीछे और दुनिया की खुशी दे मगर वो लगे रहिंदे हन। Now so many people they are after the treasures but treasures of the wickedness is unprofitable. आज दुनिया के काफी लोग दुनिया के धन दौलत के पीछे जा रहे हैं लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिलता। आज दुनिया के लोग की बहुत सारे दुनिया के खजाने के पीछे जा रहे हैं पर बदी के खजाने तो कुछ लाभ नहीं होता। Dear child of God, this is a wicked world. All the people who are living in this world, they are the nature of the wickedness, but they are after the treasures. But the treasures of the wickedness profit nothing. आज दुनिया के लोग दुष्टता में बुराई में पड़े हैं और उसी के धन दौलत के पीछे जा रहे हैं लेकिन उसे कोई फायदा लाभ नहीं होगा। आज दुनिया जो है दुष्ट पुण्य के पीछे लगी हुई है दुष्ट खजाने दे मगर लगी हुई है पर किया कि उस दुष्ट दे खजाने तो उन्होंने कोई भी लाभ नहीं मिलता है। Everyone after treasures only, everyone after the money only, they are forgetting God, they are not bothered about God. सभी लोग धन दौलत के पीछे जा रहे हैं परमेश्वर के बारे में वो सोचते नहीं है केवल कुछ लाभ होने चाहिए। ते सारी दुनिया जो है खजाने दे पैसे दे मगर लगी हुई है परमेश्वर दे बारे परमेश्वर नु भूल गए हैं और सारे लोग इस दे ही मगर लगे हैं। How much they increase, how much they go on increasing their treasures, but who are living in this world as a wickedness, their treasures will be profit nothing. बेशक वे अपने धन दौलत को तो बढ़ाते ही रहते हैं लेकिन वो बुराई में पाप में पड़े रहने के वजह से उनकी दौलत से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। पावी धन दौलत नु वधाउंदे रहिंदे हन पर वो पाप विच रहिंदे हन इस करके उन्हां दा धन दौलत वधन करके भी उन्हां नु कोई लाभ नहीं मिलता है। बट राइचसनेस डिलीवरेथ फ्रॉम डेथ। लेकिन धार्मिकता मनुष्य को मौत से बचाएगी। पर धर्म मौत तो छुड़ा लेता है। डेथ इज अश्योर फॉर एवरी मैन। ये तो मौत हर मनुष्य के लिए सच्चा है पक्का है।
ਇਹ ਮੌਤ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ no one can escape from the power of death ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਕੀ ਸਮਰਥ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ who can deliver you from the power of death ਆਪਕੋ ਮੌਤ ਕੀ ਕੂਵਤ ਸੇ ਸਮਰਥ ਸੇ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ only your righteousness can deliver it from the death केवल वो धार्मिकता ही मौत से आपको बचा सकता है सिर्फ धर्म ही तनु मौत तो छुड़ा सकता है Nowadays when the people going to die they are dying with terrify otherwise with the fear only आज जब इंसान मर रहे हैं तो वो डरते हुए ऐसे भयंकर हालात में मर जाते हैं आज लोग की जो मर रहे हैं डरी हुई भयंकर हालत दे विच ही वो मरते हैं While they are dying, that time the devil comes and they take their souls. और जब वो मर रहते हैं, तो उस वक्त शैतान उनके आकर उनके पास आकर उनका प्राण उनसे छीन लेके जाता है। तो जो मर रहे होते हैं, शैतान आता है, तो उनके प्राण उन्हें तो लेके चला जाता है। But righteous when they die, the angels of God come and they will take them. लेकिन जब धर्मी मरते हैं तो फरिश्ते उनके पास आते हैं और उनका प्राण परमेश्वर के पास ले जाता है पर जो धर्मी मरते हैं तो फरिश्ते ओदे कोल आंदे हैं ते उन्होंने लेके परमेश्वर दे कोल चले जाते हैं डियर चाइल्ड ऑफ गॉड योर राइटनेस ओनली कैन डिलीवर यू फ्रॉम द पावर ऑफ डेथ प्यारे परमेश्वर के बच्चे केवल वो परमेश्वर की धार्मिकता है जो आपको मृत्यु से छुड़ाएगा परमेश्वर के प्यारे बच्चों परमेश्वर की परमेश्वर का धर्म ही है जो तनु मौत तो छुटावेगा When we read according the word of God, we can see there is no profit for the treasures in the world for the wicked people. हम कलाम से ऐसे पढ़ते हैं कि दुष्टों को इस दुनिया के दौलत से कोई फायदा नहीं होगा. कलाम दे विच बाइबल जैसे पढ़ते हैं कि दुष्टों को इस खजाने तो कोई भी फायदा नहीं होता है. When you read the Psalms 49 chapter 6th verse, 49 भजन उसका छठवां वचन जब हम पढ़ेंगे. जबूरां दी पोथी निंजा जबूर दा 6 वचन. Psalms 49 6th verse says, "They that trusteth in their wealth boasted themselves." 49 भजन उसका छठवां वचन में हम देखते हैं कि कई लोग अपने धन दौलत में प्रशंसा करते हैं. जबूरां दी पोथी निंजा बाप निंजा जबूर दा 6 वचन जेड़े अपनी माया उते भरोसा रखते हैं. They that trusteth in their wealth boasteth themselves. जो लोग अपने संपत्ति पर भरोसा रखते हैं अपने धन के बहुतायत पर वो घमंड करते हैं जेड़े अपनी माया उते भरोसा रखते हैं अते अपने धन दी बहुतात उते फुलदे हैं The people have the wealth in their life they are not bothered about God but they are boasting themselves day and night जब मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ जाती है तो परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं है लेकिन उस दौलत के ऊपर प्रशंसा करते हैं तो जो इंसान दे कोल धन दौलत आ जाता है परमेश्वर दे बारे वो सोचते नहीं हैं पर वो माया धन दे बारे ही वो फुलते रहते हैं When you read the Mark 10 chapter 24 and 25 verse मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 24 और 25 आयत में जब हम पढ़ते हैं मरकुस 10 बाप ओदे 24 ते 25 वचन तो पढ़ दिया Mark 10 chapter 24 and 25 verse say trust in their riches चेले ओदियां गल्लां तो हैरान होए पर यीशु ने उन्हां नूं अगों फेर आख्या हे बालकियो जेड़े तानू ते आसरा रखदे हन उन्हां लई परमेश्वर दे राज विच वड़ना केड़ा ही औखा है सूई दे नक्के विचों दी ऊंट दे अलंगणा इस नालों सुखाला है पई तनी परमेश्वर दे राज विच वड़े एंड द डिसिपल्स वर एस्टोनिश्ड एट हिज वर्ड्स बट जीसस आंसरड अगेन एंड सेड अनटो देम चिल्ड्रन How hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God! It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. If any man trusteth in their riches, they never enter into the kingdom of God. यदि कोई मनुष्य अपने धन पर भरोसा रखे, तो वो कदापि परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। जेकर कोई इंसान अपने धन दौलत पर भरोसा रखता है, तो कदे भी परमेश्वर के राज्य में वो जा नहीं सकता है। After death, you have to spend eternity throughout your eternity. मृत्यु के पश्चात आपकी एक अवधियत है एक हमेशगी है मौत तो बाद एक हमेशगी है हमेशगी दे विच ही तुसी ओ जीवन गुजारना है बट इन द वर्ल्ड इफ यू ट्रस्ट इन योर रिचेस यू नेवर एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड लेकिन आज के हालात में
यदि आप अपने धन के भरोसे में रहे तो कभी भी आप अबदी जीवन की हमेशा की में दाखिल नहीं होंगे। पर जेकर तुसी धन दौलत पे भरोसा रखते हो तद कदे भी तुसी हमेशा की वेच तुसी जा नहीं सकते हो। Nowadays so many people trusted in their riches only। आज हम देखते कई लोग अपने धन दौलत पर ही भरोसा करते हैं। आजकल असी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने धन दौलत उत्ते ही भरोसा रखते हैं। That's why they are not at all interested to enter into the kingdom of God। इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसी करके परमेश्वर के राज विच वण दे वास्ते कोई भी दिलचस्पी वो लेंदे नहीं हन। Dear child of God, if you won't enter into the kingdom of God, how can you enter into the eternity? यदि आप परमेश्वर के राज्य में अभी प्रवेश ना करेंगे तो वो हमेशा की में अनंत जीवन में कैसे दाखिल होंगे? जेकर परमेश्वर के राज में तुसी होण तुसी दिलचस्पी नहीं लोगे तब तुसी हमेशा की विच किवें तुसी वड़ोगे? The words of the Lord Jesus Christ told that if anyone trusteth in their riches, they never enter into the kingdom of God. It's hard to enter into the kingdom of God. यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो व्यक्ति अपने धन दौलत पे सहारा ले भरोसा करे उसे परमेश्वर का राज्य में दाखिल होना बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जेड़े धन ते आसरा रखते हैं उन्हां लई परमेश्वर के राज च वड़ना किड्डा ही औखा है। When you read the Psalms 52 chapter 7th verse, 52 भजन उसका सातवां वचन जब हम पढ़ते हैं, 52 जबूर दे सात वचन जो सी पढ़ दिया, Psalm 52 7th verse, 52 भजन सातवां वचन, देखो ओ पुरख है जिसने परमेश्वर नु अपना गढ़ नहीं थापिया सी सगुण अपने तन दी बहुताई तुते भरोसा रखदा सी अते अपने लोभ विच पक्का सी। Lo, this is the man that made not God his strength but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness. So whosoever trusteth in their riches, they are strengthened in the wickedness only. जो लोग अपने धन पे बसहारा लेते हैं वो अपने बुराई में दृढ़ होते जाते हैं। जिन्हें लोग अपने तानों ते आसरा रखते हैं वो अपनी बुराई दे विच ही वो मजबूत होते हैं। They never trust God, they never seek God, but they trusteth in their riches only. That's why they are strengthened in their वीकनेस ओनली। वे कभी परमेश्वर को ढूंढते नहीं है, परमेश्वर पे सहारा करते नहीं है और अपने दौलत में की बहुतायत की वजह से अपने बुराई में और भी बढ़ते जाते हैं। वो परमेश्वर नूं लभदे नहीं हन, परमेश्वर उते आसरा नहीं रखते, अपने धन दौलत दे वादे करके लोभ दे विच ही वो वधदे जांदे हन। दे आर नॉट टेकन द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड बट दे आर स्ट्रेंथन इन द वीकनेस ओनली। वे लोग परमेश्वर के सामर्थ को पाते नहीं है लेकिन वो बुराई में बलवंत होते जाते हैं। वो परमेश्वर की शक्ति नु पौंदे नहीं लेकिन बुराई दे विच ही वो वधदे जांदे हन। Such a wicked people riches unprofitable their life। ऐसे लोगों के लिए दौलत से कोई फायदा नहीं है। अजिहे लोगों के वास्ते दौलत दा धन दा कोई फायदा नहीं है। Psalm 62 chapter 10th verse, 62 भजन उसका 10वां वचन, बाढ़ जबूर दा 10 वचन, अंधेरे उते भरोसा ना रखो ना लुट मार के फूं फूं करो तन संपत्ति जे वध जावे ता उसते मन ना लाओ। Trust not in oppression and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. When your riches increase, set not your heart upon them. जब आपका धन दौलत बढ़ता जाए तो आप उस पर मन नहीं लगाना, दिल नहीं लगाना। जिदो तड़ा तान संपजे वाद जाए ता सोते मन ना लो। So many children of God, when God blessed them and increased their treasures, now they are started to go on trusting in their treasures only. कई परमेश्वर के बच्चे भी जब उनके जीवन में धन दौलत बढ़ते जाती है तो वे केवल उसी दौलत पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के बच्चे भी बहुत सारे जो उन्होंने धन दौलत वादा जाता है तद अपने धन दौलत होते ही वो आसरा रखते हैं। They are putting their heart upon them, but they are not putting their heart upon God. उनका दिल उस दौलत पे डालते हैं, परमेश्वर पे अपना मन नहीं लगाते। उन्होंने दिल जड़ा है उन्होंने धन दौलत होते होंगे है, परमेश्वर होते उन्होंने दिल नहीं होंगे। Child of God, when God blessed you and go on increase your treasures, don't put your heart upon them. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है और आपको आशीष के ऊपर आशीष या दौलत मिलते जाती है, आपका दिल या मन उस पे ना लगाए। परमेश्वर के प्यारे बच्चे, जब तानू परमेश्वर बरकत देता है, ताड़ा तान संपत्ति दौलत वाद जांदी है, तुसी ओते अपना मन ना लो। The same treasures will turn your heart from God and it will take you to lead into the destruction only. Yahi daulat aapko parmeshwar se juda kar denge aur aapko aage vinash ki or le jayegi. Eh tan daulat jo hai tanu parmeshwar to dur le jayega aur tanu toda o nash kar devegi. That's why Lord Jesus Christ told
parable in Luke 12 chapter 19 and 20 verse. इसलिए लुका 12 अध्याय उसके 19 और 20 वचन में यीशु मसीह ने ऐसा एक दृष्टांत बोला. लुका 12 बाप ओदे 19 ते 20 वचन विच प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दसया. Luke 12 chapter 19 and 20. लुका 12 19 और 20. आते मैं अपनी जान नु आखांगा हे जान बहुत वरियां दे ले तेरे कोल तन वाला रखिया पिया है सुखी रहो खा पी अते मौज मान. पर परमेश्वर ने उन्हें आख्या हे नादान आज दी रात तेरी जान ते तो मंगणगे फिर जड़ियां चीजां ते तैयार कीतियां हन ओ किदियां होणगियां. एंड आई विल से टू माय सोल सोल दाउ हैस मच गुड्स लेड अप फॉर मेनी इयर्स टेक दाइन ईज ईट ड्रिंक एंड बी मेरी. बट गॉड सेड अनटू हिम दाउ फूल दिस नाइट दाई सोल शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ दी देन हु शैल दोस थिंग्स बी व्हिच दाउ हैस प्रोवाइडेड. वन मैन गोइंग ऑन थिंकिंग इन हिज हार्ट दैट when the his treasures increase he telling his to so his soul take the this eat and drink good. And be merry. और जब एक व्यक्ति का दौलत बढ़ता जा रहा था तो व्यक्ति अपने प्राण से बोलता है कि तू खा पी ले और ऐश कर. तो जो एक व्यक्ति का धन दौलत वादा जाता सी तो अपनी जान कहता सी सुखी रहो खा पी ते मौज मान. Dear child of God, so many people when they blessed by God, when their treasures increase, now they are going on enjoying the world, they are drinking and eating and merry in this world. कुछ परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जब ऐसे दौलत बढ़ते जाते हैं तो वो खाते पीते मौज मस्ती मनाते हैं. परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जो उनके जीवन में धन दौलत बढ़ जाता है वो खाते पीते तो उसके विच ही खुशी मनाते हैं. But same time when you are enjoying the world, that time God going on seeing you. और उसी वक्त जब आप दुनिया के ऐश आराम में पड़े रहते हैं उस वक्त खुदा आपकी ओर देख रहा है. जो तुम दुनिया के खाते पीते खुशी मनाते उस समय परमेश्वर भी तुम्हारे वाल देखता है. Of course, the Pentecostal children of God may not be so much rich, but here we are seeing the rich man who are gone thinking in his heart to enjoy and marry in this world. हो सकता है पेंटेकोस्टल लोग इतना ज्यादा धनवान ना होंगे लेकिन यहाँ पर एक धनी व्यक्ति को देखिए जो अपने दौलत के बारे में वो ऐसा सोचता रहता है. ते बेशक पेंटेकोस्ट दे लोग की जो है अमीर ते नहीं होंगे पर इत्थे एक धनवान नु देखो जिहड़ा अपने धन बारे सोचता रहिंदा है अपनी जान नु कहिंदा खा पी ते मौज कर. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. लेकिन वो उससे परमेश्वर कहता है कि हे मूर्ख इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा. पर परमेश्वर उन्हें आखता है हे नदान आज दी रात तेरी जान तेथो मंगणगे. Dear child of God, whosoever trusted in their riches, God seeing them and telling that thou fool. आज जो लोग अपने धन दौलत पे ऐश करते रहते हैं उनसे परमेश्वर कहता है कि हे मूर्ख. अज जिहड़े लोग अपनी धन दौलत दे बारे सोचते ने भरोसा रखते ने उन्होंने परमेश्वर कहता है हे नदान जा मूर्ख. डियर चाइल्ड ऑफ गॉड इफ यू ट्रस्ट इन द ट्रेजर्स ओनली दैट टाइम God going on watching us. जब आप अपने धन दौलत पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर बच्चे ये ध्यान देना कि परमेश्वर तेरी ओर वो ध्यान कर रहा है. जब तुम अपने धन दौलत पे ध्यान कर दियो भरोसा रख दियो तो याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ध्यान करता है. After your death there is eternal life. Are you going on seeking for that? Otherwise you are trusting your treasures. यदि आप अपने दौलत के ऊपर भरोसा रखते रहते हैं तो याद रखे आप मरने के बाद आपके लिए एक नित्यता है. ते जेकर तुसी दौलत उत्ते ही भरोसा रखते हो तो याद रखो कि मरण तो बाद एक सदीपकता ही है. नाउ द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट इन द ट्रेजर्स बट वी मस्ट ट्रस्ट इन द गॉड ओनली हु आर स्ट्रेंथन योर लाइफ. हम हमारे धन दौलत पे भरोसा नहीं रखना चाहिए लेकिन उस खुदावन पे सहारा लेना चाहिए भरोसा रखना चाहिए जो हमें बलवंत करता है. असी अपने धन दौलत पे भरोसा ना रखिए लेकिन अपने खुदावन पे ही असी भरोसा रखिए. डियर चाइल्ड ऑफ गॉड टुनाइट व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर लाइफ. प्यारे बच्चे आज रात आपके जीवन के बारे में क्या सोच रहे हो. खुदा के प्यारे बच्चे आज रात अपने जीवन बारे की सोच रहे हो. आर यू सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड. आर यू सीकिंग फॉर द इटर्नल लाइफ. अदरवाइज यू आर गोइंग ऑन ट्रस्टिंग योर ट्रेजर्स.
क्या आप परमेश्वर के राज्य को उसकी धार्मिकता को ढूंढते हो या अपने दौलत पे सहारा लेते हैं? कि तुम परमेश्वर के राज जा दे धर्म नु खोज रहे हो जब से अपने धन दौलत पे ही सहारा ले रहे हो? दिस इवनिंग यू हैव टू एग्जामिन योर लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज शाम का वक्त हमारा जीवन खुदावन की हजूरी में हम जांचे। आज शाम दे वेले परमेश्वर की हजूरी में अपने जीवन नु सी जांचिए। One city we are seeing the one rich man. एक शहर में एक धनवान के बारे में देखते हैं। एक शहर दे विच एक अमीर व्यक्ति सी। Now he is not a somewhat gentile, but he is a nominal Christian only. वो अन्य जाति का नहीं है, एक मसीही व्यक्ति है। वो गैर जाति दा नहीं सी बल्कि एक मसीही सी। But anyhow his business increased and treasures also increased in his life. कैसे भी उसका धन दौलत बढ़ गया और जीवन में जो दौलत है वो ज्यादा ही बढ़ गया था। कुछ भी क्यों ना होवे ओदा धन दौलत बढ़ गया, जीवन विच ओदा खजाना ज्यादा बढ़ गया। Throughout day he will do the business and in the night he will came back to his house and going on counting the money. दिन भर वो मेहनत करता रहता था, कमाता रहता था और रात को आकर पैसे गिनता था। दिन भर वो अपने व्यापार विच धंधे विच लगा रहिंदा सी, रात नु आके वो पैसे गिनता सी। बट डे टाइम सम टाइम वन प्रीचर विल गो टू दैट शॉप एंड टेलिंग दैट आई वांट टू स्पीक अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन दिन के वक्त उसके दुकान पर एक सुसमाचार रख जाकर उससे बताया कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहता हूँ। दिन दे वेले दी दुकान दे विच जाके एक पादरी साहब ने कहा कि मैं तैनू परमेश्वर दे बारे कोई दसना चाहुंदा हां। That rich man told that this is a business time, don't disturb me, please come to my house. उस धनवान ने बोला कि मेरा ये business का समय है, इस वक्त मेरे पास ना आए, मेरे घर पर आप आ जाए। ते व्यापारी ने कहा कि होन समय की है कि काम करने का समय है, ये दुकान ते ना आए, तुसी मेरे घर में आयो। Anyhow, he went to the morning, but is unable to work up early in the morning. But while getting ready also he went once, but he told I have no time, I have to go to the my shop. सुबह का वक्त ये सुसमाचारक वहां पहुंचा तो वो दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जवाब दिया मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। पादरी साहब जिहड़े सी सवेरे उस भाई नु मिलने वास्ते गए, कहिंदा जी हुण मैं तैयार हो रहा हां, हुण मेरी दुकान ते जाण दा समय है, हुण मैं तुहानू समय नहीं दे सकदा। सो ही वेंट टू हिज हाउस इन द नाइट टाइम। रात के वक्त वो उसके भवन में गया, रात दे वेले उसके घर विच गया। इज गोइंग ऑन टैपिंग अपॉन हिज डोर। उसके दरवाजे पर खटखटा रहा था, वो दरवाजे नु खड़काउणा शुरू। While tapping, this rich man going on counting the money. और जब दरवाजा खटखटा रहा था तो अंदर वो धनवान अपने पैसे गिन रहा था। ते जो एक पादरी साहब जो दरवाजा खटका रहे सी, ते धनवान व्यक्ति जो सी अपने पैसे गिन रहा सी। After some time he opened the door. उसके थोड़े बाद उसने दरवाजा खोला। कुछ समय बाद उसने दरवाजा खोलिया। He saw the preacher. उसने प्रचारक को देखा। उसने प्रचारक नु देखा। And told that why you came in this time, I am very tired, why you are disturbing me? और उस प्रचारक से बोला इस वक्त तू क्यों आया है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। उस पादरी ने कहा तू इस समय क्यों आया, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने का समय है। Anyhow you come and sit. कोई बात नहीं, आप 6 बजे आ जाइए। ते किया के कुछ भी क्यों ना हो तुम 6 बजे आ जाओ। No. He told that come and sit. उसको आकर बैठने के लिए तो अनुमति दिया। तो उसने बैठने वास्ते आज्ञा दी। After that he is going on speaking some gospel to that rich man. उसके बाद उस सुसमाचारक ने उस धनवान से सुसमाचार बोला। उस तो बाद उस पादरी ने धनवान को खुशखबरी दसी। He have no interest to hear the word of God, but he is going on sleeping because of tiredness. और उस धनवान को तो वचन सुनने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो थक गया था, सोने लगा। तो उस धनवान नु कोई भी उस खुशखबरी ते दिलचस्पी नहीं सी, थकावट होन करके वो सो गया। So that rich man told that why don't you come tomorrow, I am very tired. तो धनवान ने उससे बोला कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना आप कल सुबह आ जाएं। धनवान ने कहा क्यों ना तुसी, मैं हुन थक गया, सोना है, कल सवेरे आ जाओ। So anyhow the preacher going on tapping the door that he may preach the gospel to the rich man. और ये धनवान को सुसमाचार सुनाने के लिए ये पादरी साहब सुबह आकर लगातार खटखटाते रहा। ते पादरी साहब जोशी इस धनवान को खुशखबरी सुनाने के लिए सवेरे जोशी दरवाजा खटकाउन लगा। And one day he preached the gospel that you have to repent for your sin and you have to
accept the Lord Jesus Christ as your personal savior. और एक दिन उससे सुसमाचारक ने ये बताया कि तेरे पापों के लिए तू तौबा करना है और यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करना है, उद्धार या नजात पाना है। एक दिन पादरी उस समय पादरी साहब ने दसिया तुसी अपने पापा ने तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह नु अपना मुक्तिदाता कबूल करो, तुसी नजात पा लो। Because he is a rich man, he trusted in his treasures only. He told that, of course, I have no time to go on thinking about this. Think about the later. वो धनवान अपने दौलत पर भरोसा रखने वाला था, इसलिए उस पादरी साहब से बोला कि इसके बारे में मुझे सोचने के लिए अभी समय नहीं है, आगे बाद में इसके बारे में सोचूंगा। वो धनवान जो सी अपनी धन दौलत पे आसरा रखने वाला सी, भरोसा रखने वाला सी, उसने कहा ठीक है तुसी मैंने खुशखबरी सुना दीती है, ठीक है इसके बारे में बाद में सोचांगा। स्पेशली दिस रिच मैन गोइंग ऑन अटरिंग द वन वर्ड दैट आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। अब ये धनवान लगातार यही बोलता रहा कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। ये अमीर व्यक्ति लगातार यही गल बोलता सी कि मेरे को समा नहीं है, वक्त नहीं है। Nowadays the children of God also they have no time to come to the meetings and convention and they may receive the blessings of God। आज परमेश्वर के लोगों को भी खुदा का हुजूर में आने के लिए समय नहीं है और वो अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। आज भी परमेश्वर के लोग जो है उन्होंने को परमेश्वर के हुजूर में आश खुदा के घर में आके बरकता पाउन जा कन्वेंशन में आउन समा नहीं है। Anyhow, one night the rich man is going on counting his money, the door going on tapping। और एक दिन एक रात जब ये धनवान अपना पैसा गिन रहा था तो उसके दरवाजे पर खटखटाया जा रहा था। एक रात धनवान जो अपने पैसे गिन रहा सी ते पादरी दरवाजा उदा खटकाया जा रहा सी। That is the midnight really nearly between 11:30 to 12। वो आधी रात यानी 11:30 to 12 के बीच में था। आधी रात दे वेले 11:30 तो लेके 12 का समा सी। So rich man thought that this preacher only troubling me, he only came। ये धनवान ने सोचा कि वही प्रचारक आया होगा मुझे परेशान करने के लिए, ऐसे सोचा। अमीर व्यक्ति ने सोचा कि वही प्रचारक या पादरी आया होगा कि हुन मैंने फिर परेशान कर रहा है। अगेन एंड अगेन दैट साउंड गोइंग ऑन कमिंग इन हिज रूम। बार बार दरवाजे की दस्तक की आवाज सुनाई दे रही थी। कड़ी मुड़ी दरवाजे की खड़काऊ की आवाज सुनाई दे रही थी। एनी हो विद जस्ट एंगर ओनली ही ओपन द डोर। कुछ भी हो गुस्से से उसने द्वार खोला। कुछ भी हो गुस्से के नाल उसने बुआ खोलिया। नाउ डेविल स्टैंडिंग अप एट द डोर। अब उसके द्वार पर शैतान खड़ा था। उन्होंने दरवाजे सामने शैतान खड़ा सी। एंड ही टेरिफाइड एंड आस्किंग दैट व्हाई यू केम ओवर हियर। और उससे बड़े भयंकर आवाज से पूछा तू क्यों यहाँ आ गया है। उसने डरावनी आवाज में कहा कि तू इत्थे क्यों आया है। आई केम टू टेक योर सोल। मैं तेरा प्राण लेने के लिए आया हूँ, ऐसे शैतान ने जवाब दिया। शैतान ने इस तरह जवाब दिया कि मैं तेरी जान लेने आया हूँ। नाउ व्हाई यू केम और दिस टाइम स्टिल आई एम नॉट रिपेंटेड माइसेल्फ, स्टिल आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। और धनवान ने जवाब दिया इस वक्त तू क्यों आया है, मैंने तो तौबा नहीं किया है, मैं तो नजात नहीं पाया है। ते उस धनवान ने जवाब दिया कि तू इस समय क्यों आया जिते मैं तौबा नहीं की, मैं मुक्ति नहीं पाई। आफ्टर माई रिपेंटेंस एंड आफ्टर माई सैलवेशन ओनली यू हैव टू कम। मैं तौबा करने के बाद नजात पाने के बाद ही तू आना। ते जो मैं तौबा कर लांगा मुक्ति पा लांगा उस तो बाद ही तू आवी। डेविल सेज आई हैव नो टाइम। शैतान कहता है मेरे पास भी समय नहीं है। शैतान ने क्या मेरे को भी हुन समा नहीं है। आई हैव टू टेक यू। मैं तुझे ले जाना ही है। मैं तेनू अपने नाल लेके जाना है। प्लीज डोंट डू लाइक दैट, प्लीज डोंट डू लाइक दैट, ही गोइंग ऑन शाउटिंग। धनवान चिल्लाने लगा ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। अमीर व्यक्ति चलाउन लगा कराउन लगा जिहा ना करो, जिहा ना करो। डेविल सेज दैट आई हैव नो टाइम। शैतान बोलने लगा मेरे पास वक्त नहीं है। शैतान ने कहा मेरे को भी समा नहीं है। टू टेक योर सोल। मैं तेरा प्राण लेना ही पड़ेगा। मैं तेरी जान लेनी है। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड दे आर टेलिंग टू गॉड आई हैव नो टाइम, we have no time। अजीजो इस दुनिया के बहुत सारे लोग का यही कहना है कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है। प्यारियों बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि उन्होंने कोल समा नहीं है, समा नहीं है। Dear child of God, one day when you are not saved, when you are not prepared yourself, devil will come and stand at the door of your heart। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, उस वक्त शैतान आपके पास आ जाएगा जब आप नजात ना पाया हो या अपना दिल यीशु मसीह को ना दिया गया हो। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, शैतान उस समय आ जाएगा जब तुसी अपने पापा ने तौबा ना कीती होए, तुसी नजात ना पाई होवेगी। The word of God says the power of death is the devil only। परमेश्वर का वचन कहता है कि मौत का सामर्थ वो शैतान ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मौत की शक्ति जो है वो शैतान ही है। He will come anytime, the death will approach anytime, before that you have to save your soul।
शैतान बार बार आपके पास आएगा, मौत बार बार आपके पास आएगी, उससे पहले अपना प्राण को तू बचा ले। शैतान जो मौत जो किसी समय भी आ सकती है, उस तो पहले तुसी अपने प्राण नु बचा लो। डोंट ट्रस्ट इन द ट्रेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, डोंट स्ट्रेंथन योर वीकनेस, बट यू हैव टू सरेंडर योर लाइफ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। इस दुनिया के दौलत पर भरोसा ना करे, अपने बुराई में आप और मस्त या बलवंत ना हो, अपना जीवन परमेश्वर के हवाले कर दे। इस दुनिया के तन दौलत भरोसा ना रखो, बुराई में भरोसा ना रखो, अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दो। When you read the First Timothy 6th chapter 17th verse, पहला तिमोथी छठवां अध्याय उसका 17 वचन जब हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6 बाप उसके 17 वचन तो पढ़ दें। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਭਈ ਗਰਵ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਠਿਕਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। Charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, Not trust in the uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. If you believe your God, God will supply all your needs and God will richly bless you. यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, बहुतायत से आपको आशीष करेगा। जेकर तुसी परमेश्वर उते भरोसा रखोगे, परमेश्वर तुहानू बरकत देगा, बहुतात दे नाल ओ बरकतां देवेगा। Be not high minded in your life. अपने जीवन में आप घमंडी ना हो, अपने जीवन में तुसी घमंडी ना बनो। Don't trust in your riches. अपने धन पे भरोसा ना करे, अपने तन दौलत ते भरोसा ना रखो। बट riches all uncertain, it will not be permanent in this world. आपका धन जो है वो स्थाई नहीं है, वो इस दुनिया के साथ नाश हो जाएगी। ये तन दौलत ताडा तन दौलत जड़ा है पक्का नहीं है, आरजी है, इस दे नाल संसार दे नाल ही खत्म हो जाएगा। In my life I saw so many rich people, once upon a time they are enjoyed their riches and treasures. After some time I saw them, they are walking on the roads. मैं मेरे जीवन में ये देखा है बहुत से धनवानों को, कुछ समय उन्होंने ऐश किया, बाद में वो सड़क पर भटकते घूमते देखे। बहुत सारे अमीरा तनिया मैं देखा कि बहुत सारी उन्होंने दुनिया ने बेचे अपने धन दौलत ने ऐश की और बाद में जो सड़कां ते उन्होंने मैं तुरदिया देखा। So many business people, so many rich people in the world, after they lost their business, they are becoming beggars. बहुत से धनवान लोग अपना धन दौलत नष्ट होने के बाद वे भिक मंगा हो गए। ते बहुत सारे तनी लोकी जिन्हों जो उन्हों का व्यापार मंदा पै गया ते ओ भिखारी बन गए। In this world, whoso trusts in riches, that is the uncertain riches, it will not be permanent in your life. इस दुनिया के जो स्थाई नहीं है, ऐसा धन पर भरोसा रखने से आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। ते की है कि जेकर तुसी तन दे उते ही भरोसा रख रहे हो, तुहाडा तन जो है वो पक्का नहीं है, आरजी तौर ते ही है, जे तन उते भरोसा रखने नाल तुहानू कुछ नहीं मिलेगा। बिलीव योर गॉड, गॉड गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड गोइंग टू सप्लाई ऑल योर नीड्स। अपने परमेश्वर पे भरोसा करे, आपको परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। अपने परमेश्वर उत्ते भरोसा रखो, तुहाडा परमेश्वर तुहाडियां सब जरूरतां नूं पूरा करेगा, तुहानू आशीष देवेगा। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विकेडनेस? प्यारे परमेश्वर के बच्चे, दुष्टता या बुराई यानी क्या है? प्यारे परमेश्वर के बच्चों, बुराई का अर्थ की है? द वर्ड ऑफ गॉड सेज विकेडनेस मींस अनगॉडलीनेस। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टता यानी अभक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई जो है अभक्ति। इविल एंड सिनफुल लाइफ, अशुद्ध और बुरा पाप में जिंदगी। ते ब्रई अशुद्धता जा पाप वाला जीवन। सो हूसेवर लिवेथ इन द अनगॉडली लाइफ एंड ई विल डू यस एंड ऑल द सिनफुल लाइफ, दे आर स्ट्रेंथन देयर विकेडनेस इन देयर लाइफ। जो लोग अभक्ति में बुराई के जीवन में जीवन बिताते हैं, वो अपने जीवन में दुष्टता को और जोर दे रहे हैं। जेहे लोग अभक्ति जा पाप वाला बुराई वाला जीवन गुजारते हैं, जेहे लोग अपने जीवन च बुराई नु होर भी वधाउंदे हन। दे आर चाइल्ड ऑफ गॉड, इफ एनी मैन लिव्स इन दैट स्टेटस,
their riches will not be profit in their life. याद रखें, कोई ऐसा दर्जा में जीवन बिताए तो उसकी दौलत से कोई लाभ नहीं होगा. जे कोई व्यक्ति जेहे दर्जे में अपना जीवन गुजारता है तो उसे धन दौलत तो कोई उसनु लाभ नहीं मिलेगा. What is the word of God says about the wickedness? परमेश्वर का वचन दुष्टता के बारे में क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बुराई बारे की कहता है? Psalms 7 chapter 11th verse says. सातवां भजन उसका 11वां वचन में. जबूरा दी पोथी 7 जबूर दा 11वां वचन. Psalms 7 chapter 11th verse says, God is angry with the wicked every day. सातवां भजन उसका 11वां वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर दुष्ट से रोजाना नाराज है. ते जबूरा दी पोथी 7 जबूर दे 11वां वचन पढ़ दिया के परमेश्वर जेड़ा रोज खिजिया रिंदा है. Whosoever living a wicked life, God is angry every day upon them. जो लोग दुष्टता में जीवन बिताते हैं उसे परमेश्वर नाराज है, क्रोधित है. जिहड़े लोग बुराई में जीवन गुजारते हैं परमेश्वर उन्हें तो खिजिया रिंदा है, गुस्से है. That means you are whosoever liveth an ungodly life, he will do yes, otherwise sinful life. God is anger against them. Then how can they receive the blessings from God? याने जो बुरे जीवन बिताते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, भक्ति के जीवन बिताते हैं, वे लोग उनसे परमेश्वर क्रोधित है. जेहे लोग पाप विच बुराई विच भक्ति विच जीवन गुजारते हैं, अजिहे लोगों तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर उन्हें तो खिजिया जा नाराज रहता है. Dear child of God, how can they receive the blessings of God? प्यारे परमेश्वर के बच्चे, कैसे आप उस परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं? परमेश्वर के प्यारे बच्चों, किवें परमेश्वर तो बरकत फिर पा सकते हैं? Isaiah 57 chapter 20 verses. यशायाह 57 उसका 20वां वचन में हम देखते हैं. यशायाह 57 बाप उसका 20 वचन पढ़ते हैं. The wicked are like a troubled sea. दुष्ट वो सागर समुद्र के जैसे है. The wicked are like a troubled sea. दुष्ट उछलते समुद्र वांगू हन. परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है. It cannot rest. उसके अंदर कोई आराम विश्राम नहीं है. ओदे में चैन नहीं है. Whosoever liveth a wicked life, dear children of God, they have no rest at all. जो कोई बुराई के जीवन में रहता है उसके जीवन में कोई विश्राम नहीं है. जे लोग बुराई में जीवन गुजारते हैं उन्होंने जिंदगी में कोई आराम नहीं है. जस्ट लाइक ए ट्रबल सी, दे आर गोइंग ऑन वेवरिंग इन द वर्ल्ड. वो लहराते सागर के जैसे इस दुनिया में वो परेशान रहते हैं. चित्रा जो समुद्र जो है उछलता रहता है, लहरा ओदिया चलदिया ने, इस तरह ही बे आराम रहते ने. डे एंड नाइट दे हैव नो रेस्ट एट ऑल, दे हैव नो स्लीप सम टाइम. दिन रात उन्हें आराम नहीं है, कभी कभी सो भी नहीं पाते हैं. दिन रात उन्हें चैन नहीं है, कदे भी वो सो नहीं सकते हैं. बट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टोल्ड टू द होल वर्ल्ड दैट कम अनटू मी, आई विल गिव यू रेस्ट. यीशु मसीह सारे दुनिया से कहता है कि थके हुए बहुत से दबे हुए लोगो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. प्रभु यीशु मसीह सारे जगत नु कहता है, सारे थके मांदे पारे दबे हुए लोगो मेरे को, मैं तुम्हें आराम देवांगा. If you live any wicked life, you have no rest at all. Today you have no rest because of your wickedness. यदि आप दुष्टता में जीवन बिता रहे हैं तो आपको आराम नहीं है, इसलिए आज के दिन भी आपके जीवन में दुष्टता के वजह से आराम विश्राम नहीं है. जेकर तुसी कोई बुराई में जीवन गुजार दियो, तुहाडे जीवन च कोई आराम नहीं. जेकर आज भी तुसी बुराई में जीवन गुजार दियो, तुहाडे जीवन च कोई चैन नहीं है. When you read the Psalms 10th chapter 4th verse. दसवां भजन उसका 4वां वचन में. जबूर 10:4 वचन. Psalms 10 chapter 4th verse says. दसवां भजन उसका 4वां वचन कहता है. जबूर 10:4 वचन कहता है. The wicked will not seek after God. दुष्ट अपना अभिमान के कारण परमेश्वर को नहीं ढूंढता है. दुष्ट जो है अहंकार दी वजह करके परमेश्वर नु नहीं लभदा. God is not in all his thoughts. परमेश्वर उसके सोच विचार में तो है ही नहीं. ओदा सारा विचार ये परमेश्वर है ही नहीं. Whosoever liveth a wicked life, they never seek after God. जो लोग दुष्टता के जीवन में रहते हैं परमेश्वर को वो ना ढूंढेंगे. जेड़े लोग की बुराई में जीवन गुजारते हैं परमेश्वर नु वो कदे भी लभते नहीं हैं. If there is no God, if you don't seek the God, how can you get the rest? How can you get the peace? यदि जीवन में खुदा ना हो, उसकी तलाशी ना हो, तो जीवन में इत्मीनान शांति कैसे मिलेगी? जेकर जीवन च परमेश्वर ना हो, परमेश्वर की खोज ना की जाए, केवे जीवन च शांति तसली होगी? Even they have no thoughts of God also. उनके सोच विचारों में भी खुदा नहीं है. उन्होंने सोच विचारों में भी परमेश्वर नहीं है. That's why they are far away from the living God, Almighty God. इसलिए जिंदा खुदावन से वो दूर है, सर्वसामर्थी परमेश्वर से जुदा है. इसी करके जिंदा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो वो दूर हैं. When you read the 1 John 5th chapter.
पहला यूहन्ना पांचवा अध्याय, पहला यूहन्ना पांच बाब, फर्स्ट जॉन फिफ्थ चैप्टर 19th वर्स, पहला यूहन्ना पांच का 19, पहला यूहन्ना पांच बाब होता 19 वचन, दिस होल वर्ल्ड लाइथ इन विकेडनेस, ये सारा संसार बुराई में दुष्टता में पड़ा है, ये सारा संसार दुष्ट दे वास्तव में प्यार